हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बिग बॉस का 17वां सीज़न कह सकते हैं आप एक तरह से, क्योंकि बिग बॉस OTT का सेकंड सीज़न है, 17वां भी आने वाला है। तो गाइस, सीज़न चल रहा है लेकिन बात शहनाज की हो रही है। जी हाँ, सिद्धार्थ के बारे में भी बातें हुई। क्या बात हुई, पूरी बात बताऊँगी आपको। एल्विश यादव और मनीषा रानी दोनों बात कर रहे थे। जब भी कोई नया कंटेस्टेंट आता है बिग बॉस में हर किसी सीज़न में, तो सब अपने फेवरेट्स बताते हैं। मोस्टली सेलिब्रिटीज़ इन बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरों की सक्सेस के बारे में ना बात करना ये इनकी फ़िलॉसफी होती है, कि दूसरों की सक्सेस की बात करोगे तो आप नीचे देखोगे। लेकिन अक्सर जो इस तरह से कंटेस्टेंट आते हैं कि जिनका ज़्यादा नाम नहीं है, कि मतलब शुरुआत है, या फिर आप कॉमनर भी कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत काम किया है, वो इस तरह से आते हैं, तो वो ज़रूर बिग बॉस के जो एक्स कंटेस्टेंट रहे हैं, विनर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। और देखिए, शहनाज और सिद्धार्थ हर किसी के फेवरेट नहीं हो सकते, ये बात हम समझते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिक लाइन्स नहीं बताऊँगी कि जो इस बारे में कही गई है, मैं पूरी कन्वर्सेशन बताऊँगी आपको जो हुई है गाइज। तो बात हो रही होती है, तो यहाँ पर मनीषा कहती हैं कि एक शहनाज गिल थी, सब उनसे झगड़ते थे, लड़ाई करते थे, उनको काफ़ी भला बुरा बोला जाता था, लेकिन वो काफ़ी रियल थी। जो मन में आता था वो बोल देती थी, सबसे रियल रहती थी, किसी बात को छिपाती नहीं थी, कुछ शो ऑफ नहीं करती थी। साथ ही उन्होंने कहा उनके करेक्टर के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला गया, लेकिन वो रुकी नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर वो कहने की भी कोशिश करते हैं कि बोला गया ये तो ऐसी है इसका कैरेक्टर वगैरह, तो वो इस तरह से बता रही थी एल्विश को। एल्विश तब तक सुन रहे थे। उसके बाद एल्विश कहते हैं इनका तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था ना, क्योंकि उसके बाद जो है मनीषा रानी बात करने लगती हैं आसिम की और सिद्धार्थ की। तो यहाँ पे वो कहती हैं हाँ भाई हाँ, इन लोगों के झगड़े ऐसे नहीं होते थे आसिम और सिद्धार्थ के, कि हाँ सामने सामने से ऐसे हो रहे हैं। वो हाथ मुँह पे हाथ करके कहते हैं कि इनके झगड़े ऐसे होते थे कि मुँह पर आके सीधा झगड़े होते थे, और इन लोगों का झगड़ा देखने में मज़ा आता था कि हाँ भाई सच में झगड़ा हो रहा है, कुछ चल रहा है। फिर वो कहती हैं कि आसिम ने सिद्धार्थ को एक लाइन भी बोली थी, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता था कि झगड़ा तो करता था लेकिन जब टाइम आता था तो बोलता था। आसिम ने सिद्धार्थ को कहा था कि तेरे परफ्यूम से महंगा मेरा पसीना है, तो वो लाइन वो बोल के बताती हैं। हालांकि यहाँ वो सिद्धार्थ को कुछ गलत नहीं बोलती, लेकिन सिद्धार्थ उनके फेवरेट नहीं रहे, आसिम रहे हैं। तो इस पर भी काफ़ी लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई हर किसी का एक ही फेवरेट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, इसलिए मैंने आप सभी को पूरी कन्वर्सेशन बताई। क्योंकि ऐसा है कि शहनाज का पॉइंट ख़त्म होने के बाद सिद्धार्थ का भी नाम आया, तो वो भी बताना ज़रूरी था कि सिद्धार्थ के बिना लोगों की कन्वर्सेशन पूरी नहीं होती है। उसके बाद बात कर रही थी वो मनवीर की, मनु पंजाबी की, तो ये सब इन दोनों का डिस्कशन चल रहा था। तो गाइज, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी बताऊंगी आपको। थैंक यू।